If you are coming to Goa or planning to come to Goa, then this video is for you. Goa trip plan करते समय आपके पास 5 major questions होते हैं. How to reach Goa, where to stay in Goa, how to explore in Goa, itinerary क्या होगी, budget क्या होगा. So आज के video को मैंने 5 major factors पे divide किया है जिससे you can get help to plan your trip to Goa. एंड जो लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें. एंड हाँ, वीडियो लास्ट तक देखिए, अदरवाइज आप कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ मिस कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट फैक्टर इज हाउ टू रीच गोवा. यू कैन रीच गोवा बाई ऑल द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एनी मेजर सिटीज इन इंडिया. फर्स्ट मोड इज़ बाई एयर. अगर आप फ्लाइट लेकर गोवा आ रहे हो तो आप डाबोली में एयरपोर्ट पे उतरोगे एंड वहाँ से बसेस चलती हैं या फिर टैक्सी हायर करके आप गोवा के मेन लोकेशंस पे पहुँच सकते हैं. सेकेंड मोड इज़ बाई ट्रेन. अगर आप ट्रेन लेकर गोवा आ रहे हो तो गोवा के मेजर रेलवे स्टेशन है मडगांव जंक्शन एंड कार्मली, आप वहाँ उतर सकते हैं. थर्ड मोड इज़ बाई रोड. इसमें भी 2 चीज़ें हैं. अगर आप गोवा के आसपास के शहरों जैसे मुंबई हो गया या बैंगलोर हो गया तो वहाँ से वॉल्वो बसेस चलती हैं, आप उनसे आ सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग है कि आप खुद से ड्राइव करके गोवा आ सकते हैं किसी भी शहर से. एंड अगर आप बैंगलोर में हैं एंड खुद से ड्राइव करके गोवा आना चाहते हैं तो यू कैन वॉच आवर व्लॉग 1 ऑफ गोवा सीरीज़ जहाँ पे हमने डिटेल में अपनी जर्नी शेयर की है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ रोड एंड रूट टू रीच गोवा. गोवा पहुँचने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वेयर टू स्टे इन गोवा. तो गोवा बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा. हमारा 3 दिन का स्टे था नॉर्थ गोवा में एंड 2 दिन का स्टे था साउथ गोवा में. नॉर्थ गोवा में हमने अपना होटल बुक किया था कलंगूट बीच के पास, ब्लूम होटल. एंड साउथ गोवा में हमने होटल बुक किया था कोलवा बीच के पास जो था अमीगो प्लाजा. दोनों होटल का बजट था अराउंड 2000 से लेकर 2500 के बीच में, लेकिन अगर आप बैचलर हैं तो आपका प्राइस सीधे हाफ हो जाएगा क्योंकि गोवा में बैचलर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस विद इन 700 to 1000 रुपीज़ के अंदर आपको अच्छा खासा हॉस्टल एंड डॉम्स मिल सकता है. गोवा पहुंचने के बाद होटल फाइनल करने के बाद सबसे मेजर फैक्टर होता है हाउ टू एक्सप्लोर इन गोवा. तो गोवा घूमने का सबसे चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल तरीका है टू रेंट अ स्कूटी. यहाँ पे आपको ऑफ सीजन में जहाँ स्कूटी आपको मिल जाएगा ₹200 पर डे पे, वही सीज़न के टाइम पे ये रेंज थोड़ा बढ़ जाता है और आपको 400 से लेकर 500 रुपए तक में स्कूटी मिल जाएगा. एंड फ्यूल चार्जेस एक दिन का रहेगा आपका 100 से 200 रुपए तक, डिपेंडिंग आप कितना किलोमीटर ये गाड़ी चला रहे हैं. स्कूटी के अलावा अगर आप कार हायर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. कार का रेंटल रहेगा ₹800 to 2000 पर डे. इसके बाद मेजर फैक्टर है आइटनरी. तो यहाँ पे मैं अपना आइटनरी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. शुरुआत करते हैं डे 1 से. डे 1 की प्लानिंग आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जब आप गोवा पहुँचे तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाइए या फिर दोपहर के टाइम तक पहुँच जाइए ताकि आपका वो दिन यूटिलाइज हो जाए. तो हम रोड ट्रिप कर रहे थे फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा एंड दोपहर तक हम गोवा पहुँच गए. कुछ देर होटल में रेस्ट करने के बाद वापस हम लोग आ चुके हैं शाम में कलंगूट बीच घूमने के लिए. दिस इज कलंगूट बीच, वन ऑफ द फेमस बीचेस इन गोवा. मेन जब एंटर करें वहाँ तो काफी भीड़ है, तो थोड़ी देर वॉक करके ना थोड़ा आगे आ जाइए. थोड़ा वॉक करके थोड़ा खाली जगह मिलेगी. वो देखिए वहाँ पे तो और ज्यादा स्पेस है इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग एंड स्पेंडिंग सम टाइम अगर आप किसी के साथ आ रहे हैं तो. बिकॉज इफ यू सी एंट्रेंस के पास मोस्ट ऑफ द पीपल वहीं रुक जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है. This is the view of the sunset. कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? बहुत मजा आ रहा है, बहुत amazing लग रहा है. हमने बहुत सारे beaches cover किए, but इतना भीड़, seriously इतना भीड़ कहीं नहीं देखा. This is the night scene at Kalangut beach. जब बीच पूरा लिट अप हो जाता है एंड मोस्ट ऑफ द सेक्स पे आपको सिर्फ बॉलीवुड या पंजाबी सॉन्ग सुनने को मिलेंगे. डे 2 की शुरुआत हमने की आरंबोल बीच से. Here we are at Arambol Beach. बीच पे ये बहुत सही है कि इस बीच पे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है एज कम्पेयर टू अदर बीचेस. ज्यादा यहाँ पे तो यहाँ फॉरेनर काफी आते हैं तो ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है
एंड सेकेंडली व्हेन यू आर सिटिंग इन सैक्स एंड ऑल ना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता. दिस इज अ वेरी क्लीन वेरी गुड बीच, बट दिस इज बेस्ट बीच अगर आपको बीच एक्सप्लोर करना है. यू वॉन्ट टू हैव सम ड्रिंक्स विदाउट पीपल कमिंग एंड डिस्टर्बिंग यू, सो दैट इज वेरी गुड ऑप्शन. अभी हम जा रहे हैं यहाँ से स्वीट वाटर लेक, सो वी आर हियर एट स्वीट वाटर लेक बिहाइंड मी. दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर स्वीट वाटर लेक ऑफ आरंबोल एंड यहाँ पे काफ़ी सारे सनबेड है जिस बहुत सारे लोग चिल कर रहे हैं. एंड अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे लश ग्रीन क्लिफ है, इसके बीच में एक वाटर सोर्स है जिसे स्वीट वाटर ऑफ वाटर लेक ऑफ आरंबोल कहा जाता है. एंड काफ़ी लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं. इन कंपेरिजन टू बीच यहाँ ये एरिया कुछ ठंडा सा है, तो हम भी कुछ देर यहाँ पे चिल करते हैं. अभी हम लोग आ चुके हैं अंजुना बीच पे एंड बहुत सारे सेक्स एंड कैफेज के लिए फेमस है ये, और यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो रहे हैं. दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ अंजुना बीच. काफी हैपनिंग प्लेस लग रहा है मुझे, काफी लाउड म्यूजिक बज रहे हैं कैफेज में. एंड दिस इज पॉपुलर फॉर इट्स सनसेट एंड ब्यूटीफुल कैफेज. यहाँ पे बहुत ही आपको अच्छे अच्छे कैफे मिल जाएंगे. ईवा कैफे है, कर्लीज है, लिलीपुट है, इवन पर्पल मार्टिनी भी यहाँ पे है. तो वी विल वॉक थ्रू द एंड कोई अच्छा सा कैफे देख के वहाँ पे लंच करेंगे एंड स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम एट दिस बीच. आपके 10 बज रहे हैं और अभी हम लोग इस समय गोवा के सबसे हैपनिंग प्लेस पे हैं. ये है टीटोज लेन एट पागा बीच. टीटोज लेन में रौनक रात के 10 से 11 बजे के बाद होती है. एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे. टैटू शॉप्स हैं, शॉबनिया शॉप्स है, बैग्स के शॉप है, ड्रेसेस की शॉप्स है, बहुत सारी ईटरीज हैं यहाँ पर. एंड यहाँ पे गोवा के सबसे फेमस पब्स एंड क्लब्स हैं, जिसमें से सबसे फेमस है टीटो क्लब, मैम्बो क्लब एंड और भी बहुत सारे क्लब आपको मिल जाएंगे. एंड सबके लिए आपको कवर चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसमें आपके ड्रिंक्स इंक्लूडेड होते हैं. सो टीटोज लेन पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो चेक कर सकते हैं. एंड ये है बागा बीच. तो बागा बीच इस समय इतना खूबसूरत लग रहा है, सब तरफ लिट अप हो चुका है एंड पूरा वाइब्रेंट कलर है एंड सब कोई पार्टी के मूड पे है यहाँ पर. और हम भी पार्टी करने के लिए अब जा रहे हैं टीटोज क्लब एंड वहाँ पे फुल पार्टी करने वाले हैं आज रात. तो कल रात पार्टी करते करते काफ़ी लेट हो गया था, तो आज दिन की शुरुआत थोड़े लेट हो रही है. सुबह के 12 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं पैरा रोड. करेंटली हम हैं उसी स्पॉट पे जो अभी थोड़ा रिसेंटली काफ़ी फेमस हुआ है ड्यू टू द मूवी, कौन सी थी, डियर जिंदगी. बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत सारे लोग फोटो शूट कराने के लिए, रील बनाने के लिए आते हैं. तो बेटर है अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हो तो वो थोड़ा बेटर है, अदरवाइज हमने अपनी कार बिगनिंग ऑफ द स्ट्रीट में कहीं पार्क कर दिया. थोड़ी सी स्पेस है, थोड़ा पार्किंग स्पेस टाइप का था, तो वहाँ पार्क कर दिया एंड देन वी आर वॉकिंग ऑन दिस स्ट्रीट. पैरा रोड पे खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद हम लोग लंच करने के लिए आ चुके हैं जामुन रेस्टोरेंट इन असागांव. ये रेस्टोरेंट गोवा में बहुत फेमस है अपने नॉर्थ इंडियन कुजीन के लिए एंड वेज थालीज के लिए. सो यहाँ पे बैठते हैं, लंच एंजॉय करते हैं एंड देन फिर आगे निकलेंगे. तो ये रहा अश्विम बीच और बाकी इस बीच के रास्ते में आपको बहुत सारे प्राइवेट रिसोर्ट, लाख कबाना, लीला रिसोर्ट्स, कॉटेजेस वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे. एंड ये रिवर क्रॉस करके जाना है, आप देख सकते हो पानी भी है. तो पहले रिवर है, उसके बाद आपको मेन बीच पे जाना पड़ेगा और काफ़ी दूर में है, काफ़ी वाइड है, वाइट सैंड बीच है. 3 बज रहे हैं और धूप बहुत तेज़ है यहाँ पे एंड ज़्यादा लोग भी नहीं है. शांति पसंद है आपको, अपना मी टाइम अलोन स्पेंड करना चाहते हैं बीच पे, तो इस बीच पे आ सकते हैं. सुबह और शाम के टाइम ही सही रहेगा. तो हमारे होटल से 5 मिनट के ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये तिब्बतियन मार्केट. यहाँ पे बहुत फेमस है कलंगूट बीच का, तो वहाँ आए, एक बार आपको भी दिखाते हैं कैसा है ये तिब्बतियन मार्केट. तो आज है हमारा डे 4
और हमने नॉर्थ गोवा अपना कवर कर लिया है। हमने नॉर्थ गोवा में 4 बीच कवर किए हैं। हमने पहला स्टार्ट किया कालंगूट से, फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कहाँ गए थे, आरंबोल बीच के। हाँ, और आरंबोल में हमने कवर किया एक स्वीट वाटर लेक। हाँ। फिर वहां से लौटते समय हमने कवर किया अंजुना बीच, जहाँ पे हमने एक जोनस एंड जोन्स में वहाँ पे अपना कैफे में वहाँ पे उसका बीच साइड एंजॉय किया। एंड देन एंड ऑफ द डे हमने जो बागा बीच गए, वहाँ पे हमने जो फेमस टीटोज लेना है वो देखा। कल हम अश्विन बीच गए थे और हमने जामुन रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया एंड हमने अपना डे एंड किया कालंगूट बीच में एट वेरी फेमस सुजा लोबो बार एंड रेस्टोरेंट, जहाँ हमने डिनर एंजॉय किया इंक्लूडिंग गोवा कुजीन्स। तो अब हम जा रहे हैं अपने डे फोर्थ में साउथ गोवा की तरफ और हम आपको रोड दिखाते हैं फ्रॉम नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा कैसी रोड है। एंड पैरेलली हमारा वहाँ स्टे है अमीगो प्लाजा में जो कि कोलवा पे है, तो वहाँ कोलवा बीच में, तो हम कोलवा बीच जाएंगे। नॉर्थ गोवा टू साउथ गोवा में स्वागत है आपका। तो अभी हम हैं यहाँ पे कोलवा बीच पे आए हैं। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और सूरज चढ़ा है सर पे, काफ़ी तेज़ धूप है। तो हम थोड़ा शेड के पास बैठे हैं, जहाँ थोड़ा सा शेड नहीं है बेसिकली, किसी पेड़ के पास बैठे हैं ताकि ज़्यादा धूप ना लगे। और लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है इस टाइम पे भी जो बीच में आया हुआ है। साउथ गोवा थोड़ा शांत इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, बट थोड़ी बहुत वाटर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बट नॉट एट दैट मच कि जितनी हमने कालंगूट में देखी थी उतनी तो नहीं है। बट स्टिल यहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, जैसे हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे घंटा डेढ़ घंटा और इस व्यू को एंजॉय करेंगे। तो गाइस करंटली हैं हम बेताल बातें बीच में। एक्सपेक्टेशन तो इसने एक्सीड, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो ये एक्सीड किया है, बिकॉज हमें लगा था कि छोटा सा बीच होगा, बट नहीं, ये काफ़ी दूर तक डिस्ट्रीब्यूटेड बीच है और काफ़ी फैमिली है यहाँ पे। मेरे बैचलर से ज़्यादा फैमिली दिख रही है बिकॉज थोड़ा सा आइसोलेटेड है, बट दिस इज़ वन ऑफ द हिडन जिम। अगर आप साउथ गोवा आ रहे हैं तो मेक श्योर कोलवा बीच से ये 4 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाइक्स पे हैं या हमारी तरह कार पे हैं तो आप उसको डिसाइड करके आप आ सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेटर ऑप्शन जो अभी तक मुझे सारे नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में मिले हैं, ओनली बिकॉज रश कम है एंड सेकेंडली क्लीन बीच एंड थर्ड फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छा है। सेक्स ज़्यादा नहीं है, कोई आपसे बार बार ये नहीं कह रहा आओ इधर बैठो उधर बैठो, एवरीथिंग लुक सॉर्टेड। तो हम भी कहीं बैठते हैं, तब तक हम आपको एक बार इसका पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाएंगे कि हाउ हम कहाँ से आए थे और हम इस रास्ते से आए थे जब आए थे। और इधर से आए थे ना तो बहुत सारे रिजॉर्ट मिले थे, तो उनके लिए भी यहाँ पे प्राइवेट बीच टाइप का भी होगा, यहाँ पे ऑप्शन है। तो आगे शायद वो प्राइवेट बीच ही है। हाँ। तो हम यहाँ से आए और लेफ्ट में हमारे एक सेट है जो अभी अंदर बिल्डिंग है में है, शायद वो बन रही है, और जो राइट वाली सेट है वो वहाँ पे यहाँ पे बेड्स दिए हुए हैं, सन बेड्स। प्लाजा में रुके हुए हैं एंड ये मेरे पीछे बूम रैंग शैक है, यहाँ पे गाँव भी बैठे हुए। मैं आ गई कि आपको कोलवा बीच एज प्रोमिस्ड। हम लोग दोपहर में जब आए थे तो इतनी तेज़ धूप थी कि बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल पाए, तो एज प्रोमिस्ड हम लोग शाम में आए हैं और आपको अब कोलवा बीच का नज़ारा देखते हैं। उस टाइम तो बहुत कम लोग थे कंपेरिजन टू अभी। मेरे पीछे मैं दिखाती हूँ कि कोलवा बीच पर कितना भीड़ है, ये देखिए बहुत क्राउडेड हो गया अभी। जैसे ही आप एंटर करते हो कोलवा बीच में तो ये शैक आपको 500-700 मीटर
राइट में पड़ेगा, मेन कोलरा बीच उधर है, वहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी हो रही है। कितनी भीड़ है यहाँ कोलवा बीच साउथ गोवा में। तो ये है साउथ गोवा की कोलवा बीच मार्केट, जहाँ से अभी हम अपना डिनर कंप्लीट करके निकले हैं। रात के 9 बज रहे हैं। जा रहे हैं कोलवा बीच की तरफ। अभी हमने आपको दिखाया था कोलवा बीच का मार्केट, अब हम वहाँ से वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स बीच। जो पार्टी लवर्स हैं उनके लिए अभी रात नहीं हुई है, उनके लिए अभी दिन शुरू हुआ है। बट आई थिंक साउथ गोवा में जल्दी बंद हो जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। सो आज हमारा लास्ट दिन है गोवा में, और आज सुबह सुबह हम लोग आ चुके हैं अगोंडा बीच एक्सप्लोर करने के लिए। सो फाइनली वी आर एट अगोंडा बीच, एंड ये काफ़ी दूर में फैला है, मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये। एंड अगर आप उस साइड देखोगे तो एक क्लिफ है, एंड वहाँ पे एक रॉक फॉर्मेशन भी है जो मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है अगोंडा बीच पे, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो ये है अगोंडा बीच, यहाँ से हमने फेरी का पता किया था। तो फेरी का जो रेंज है वो है करीब 2500 से 3000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। बेसिकली वो पूरी बोट की बुकिंग है। अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ आते हैं तो आप पूरी बोट बुक कर सकते हो, 6 लोगों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके आप आई थिंक 500 to 600 पर पर्सन। अब इस बोट में क्या क्या कवर करते हैं, फर्स्ट इज बटरफ्लाई बीच, सेकेंड इज हनीमून बीच, एंड थर्ड इज डॉल्फिन पॉइंट। लेकिन हमको हमारे होटल वाले ने बताया था कि आप डोना पोला से अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ ज़्यादा डॉल्फिन व्यू का चांस है, जो हमने मिस कर दिया संभव। और यहाँ से हमें वो वर्थ नहीं लग रहा कि हम 3000 रुपीज़ इस ट्रिप पर खर्च करें जस्ट टू व्यू 2 बीचेस। तो अभी हम देखते हैं, अगर कोई हमको कंपेनियन मिलता है जिसके साथ हम क्लब कर सकते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे अगोंडा में और फिर अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज जो लोग ट्रैकिंग करके जाना चाहते हैं वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, वो बटरफ्लाई बीच जा सकते हैं। एंड ट्रैकिंग करने का ये फायदा रहेगा ना कि ऊपर से आपको पूरा बटरफ्लाई व्यू मिलेगा कि हाँ ये बटरफ्लाई व्यू। हाँ, अगर आपको पूरा बटरफ्लाई व्यू देखना है कि क्या लॉजिक क्या है इसको बटरफ्लाई आइलैंड बीच बोलने का, बिकॉज इट इज बिटवीन 2 रॉक्स जो कि जो बटरफ्लाई के 2 विंग्स को रिप्रेजेंट करता है, इस सेंटर में छोटे छोटे रॉक है। लेकिन वो चीज़ आपको अगर आप उसका टॉप व्यू देखोगे तभी पता चलेगा, अगर आप उसका फ्रंट व्यू या साइड व्यू को देखते हो तो आपको क्लियर नहीं होता है। तो अभी हम देखते हैं, आप अगर बोट से जाओगे तो आपको बस लगेगा एक छोटा सा बीच है और पत्थर पत्थर रखे हुए हैं बहुत सारे। हाँ, तो अभी हम देखते हैं, अगर हमें कोई पार्टी मिलती है जिसके साथ हम क्लब कर सकते हैं तो हम प्लान करेंगे, अदरवाइज हमने आपको डिटेल शेयर कर दी है, अब आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें। सो हमारा नेक्स्ट लोकेशन है कोला बीच, दिस इज पार्किंग ऑफ कोला बीच। ये पार्किंग बिल्कुल फ्री है, एंड हमने यहाँ पता किया तो 4 व्हीलर्स इसके नीचे नहीं जा सकती, बल्कि 2 व्हीलर्स नीचे तक जा सकते हैं। एंड आप यहाँ पे अपनी कार पार्क करके नीचे पैदल ट्रैक करके 2 किलोमीटर्स आपको जाना पड़ेगा। सो ट्रैकिंग का रास्ता कुछ ऐसा है, जा रहे हैं 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तो इजली जा रही हैं, 2-3 गाड़ी हमने पीछे से भी आते देखी। थोड़ा सा ऑफ रोड है बट इजली जा सकते हैं। टैक्सी चलती है 1000 रुपीज अप एंड डाउन, आपको लेकर जाएंगे ये लोग बीच तक। वहाँ से हम कहीं आ रहे हैं, वहाँ एक शैक भी है और ये है कोला बीच, और इस तरफ है ब्लू लैगून, और यहाँ पे आपको रिजॉर्ट भी मिल जाता है, ब्यूटीफुल सा रिजॉर्ट लगा ये, और ये है ब्लू लैगून। यहाँ पे लोग आके स्विम भी करते हैं, कयाकिंग भी करते हैं, तो हम लोग भी होपफुली वही करने जा रहे हैं। अभी रेट पता किया था तो कयाकिंग का ये बताते 2 सीटर का है 400, बट डिस्काउंट करके 300 में देंगे, एंड अगर 1 सीटर लेते हैं तो 200। एंड बहुत सारे लोग कयाकिंग कर रहे हैं, तो चल के देखते हैं कैसा है। Thank you.
6 hours later. गोवा में हम अपने आखिरी शाम को यादगार बनाने के लिए आ चुके हैं इस बीच फ्रंट रेस्टोरेंट में. यह है द सदर्न डेक एंड ये साउथ गोवा का वन ऑफ द फेमस प्रीमियम रेस्टोरेंट है. दैट्स द पार्किंग ओवर देयर. और अभी हम लोग हैं कोलवा बीच से लगभग 5 किलोमीटर दूर. ये है बेनालिम बीच में. सो लेट्स गो इनसाइड एंड एंजॉय दिस इवनिंग. तो बेनालिम बीच एक्सप्लोर करने आ चुके हैं हम लोग. एंड ये बीच फ्रंट व्यू है सदर्न डेक का. और पास में बहुत सारे और रेस्टोरेंट हैं. आप देख सकते हो दूर दूर तक बहुत काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं इस बीच पे. कह सकते हैं एक वन ऑफ द हिडन जेम है साउथ गोवा में. काफ़ी अच्छा लग रहा है. अंदर लाइव म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है तो अंदर चल के फूड एंड म्यूजिक इन्जॉय करते हैं. सो दिस वॉज माई आइटनरी फॉर 5 days इन गोवा. एंड अगर आप इससे ज़्यादा घूमना चाहते हो तो आप इससे ज़्यादा भी स्टे कर सकते हो गोवा में. बट अगर आप बजट ट्रिप पे हो तो 4 to 5 days इज इनफ टू एक्सप्लोर गोवा. एंड इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि एक्वाड़ा फोर्ट हो गया, चपोड़ा फोर्ट हो गया. चर्चेस हैं यहाँ पे गोवा में बहुत सारे, तो अगर आपके पास टाइम निकलता है तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं. पंजिम जा सकते हैं, दोना पौला जा सकते हैं. तो ये आपके ऊपर है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, आप कौन सी जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेजर फैक्टर है बजट. तो अगर बात बजट की हो रही है तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है होटल बुकिंग में. तो अगर आप 2 से 2,500 के बीच में एक होटल ले रहे हो 5 दिनों के लिए तो आपका पर पर्सन कॉस्ट हो जाता है 6,000 रुपीज़. सेकेंड फैक्टर इज़ ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर आप स्कूटी हायर कर रहे हो तो आपका अराउंड 5 दिनों में लग जाएगा 1,500 रुपये. एंड फूड के ऊपर आप अगर 500 रुपीज़ पर डे लेकर चल रहे हो तो अराउंड 2,500 आपको फूड का एक्सपेंस हो जाएगा. इसके अलावा होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. 1,500 रुपये में आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर सकते हो. उसके अलावा अगर आप कुछ और एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो मोटा मोटी मैं लेके चल रही हूँ कि आप 4 से 5,000 रुपये एक्टिविटीज़ में खर्चा कर रहे हो. एंड इसके अलावा बहुत सारे मिसलिनियस चीज़ें होती हैं तो उसमें आप एक्स्ट्रा 3 से 4,000 रुपये रख लो. तो आपका बजट जो होगा वो अराउंड 17 से 18,000 रुपये के बीच में होगा. एंड अगर आप बैचलर हो तो आपका बजट और कम रहेगा. आप 10 से 12,000 में आराम से 5 दिन गोवा में घूम सकते हैं. इस वीडियो को बनाने में हमारी यही कोशिश थी कि सारी इन्फॉर्मेशन बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज आपके साथ शेयर कर सके, सो दैट अगर आप गोवा आते हैं तो आप एक बेहतर प्लानिंग के साथ अपनी ट्रिप इन्जॉय कर सकें. सो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. एंड अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन मिस ना करे. सो मिलती हूँ नए डेस्टिनेशन पे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.